बुधवार को श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर समिति के तत्वावधान में जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर विश्वकर्मा भगवान के मंदिर का 90वां वार्षिक स्थापना दिवस मनाया गया तथा पूजन हवन किया गया, जिसके संबंध में विश्वकर्मा मंदिर के अध्यक्ष दयानंद शर्मा ने बताया कि अनादिकाल से पूरे विश्व के रचयिता विश्वकर्मा भगवान ने विश्व की रचना की थी, हम उनके वंशज हैं, उनके द्वारा जो हम लोगों को गुण मिला था उसको समाज में समर्पित किया, चाहे युद्ध के समय में अस्त्र शस्त्र बनाना हो, आधुनिक युग में हवाई जहाज या पानी का जहाज हो, विश्वकर्मा भगवान की पूजा के बाद ही उस जहाज को वायु या जल में प्रवाहित किया जाता है। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री पी के मल ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा इस पूरे सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। जब तक कल कारखाने आगे नहीं होंगे तब तक हम भौतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भगवान विश्वकर्मा मंदिर के अध्यक्ष दयानंद शर्मा एवं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पी के मल ने कहा, मैं दयानंद शर्मा, अध्यक्ष विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर। ये भगवान विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर का 90वां वार्षिक उत्सव है। क्या कहेंगे? इस पर यह कहना है कि अनादिकाल से हमारे पूर्वज विश्व के रचयिता विश्वकर्मा भगवान ने विश्व की रचना की थी, हम उनके वंशज हैं, उनके द्वारा जो हमको गुण मिला था उसको समाज में समर्पित करते हुए, चाहे वो युद्ध के समय में अस्त्र शस्त्र बनाना हो, चाहे आधुनिक युग के समय में हवाई जहाज या पानी का जहाज बनता है, बनाते विश्वकर्मा भगवान के कृपा से कोई भी है, पूजा विश्वकर्मा भगवान के बाद ही उस जहाज को चाहे वायु में या जल में प्रवाहित किया जाता है उनको क्रियान्वित करने के लिए। और ये विश्वकर्मा हमारे जो वंशज थे, लगभग कई सौ वर्षों से यहाँ पर एक छोटी सी प्रतिमा का पूजा करते थे। 1925 में हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को ये लगा कि हमको एक मंदिर भी बनाना चाहिए। उन्होंने 1925 में इस विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर का बुनियाद नींव बना के और उसको छोड़ने का काम किया। पुनः 7 साल प्रतीक्षा धन अर्जित करने के बाद 1932 में इसका छत लगने का काम हुआ, भगवान प्रभु विश्वकर्मा को स्थापित किया गया और तब से अनवरत हम लोग साल में 3 कार्यक्रम यहाँ करते रहते हैं। एक कार्यक्रम स्थापना दिवस का होता है, दूसरा कार्यक्रम सावन के आखिरी सोमवार को श्रावणी पूजा के रूप में हम लोग मनाते हैं, रोट और हलवा का प्रसाद बांट के सारे विश्वकर्मा समाज के लोग इकट्ठा होके और उसको संपन्न कराते हैं। प्रसाद स्वरूपी उस रोट को घर में ले जाके अपने साथ साथ सारे मोहल्ले वासियों को देते हैं। और एक तीसरा कार्यक्रम होता है कार्तिक पूर्णिमा का, जहां औला का विशाल बहुत ही पुराना वृक्ष है उसके नीचे हम सभी विश्वकर्मा समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर उस प्रसाद का ग्रहण करते हैं। निश्चित रूप से हम सभी आगे के पिछले बातों के अपेक्षा आज बहुत प्रगतिशील हैं, भगवान विश्वकर्मा की कृपा रही तो आगे अनवरत इसी प्रकार क्रमबद्ध बढ़ते हुए हम सब विश्वकर्मा भगवान के वंशज उनका पूजन करते रहेंगे, विश्वकर्मा भगवान के आदर्शों पर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा मंदिर गोरखपुर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और इस सृष्टि की रचना सारे हम भौतिक जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसके भगवान माने जाते हैं भगवान विश्वकर्मा, क्योंकि जब तक हमारे कल कारखाने यंत्र नहीं होंगे तो हम लोग कोई
भौतिक युग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आदिकाल से भगवान विश्वकर्मा का ये पूजा हम लोग इसमें करते रहे हैं। आज यहाँ विश्वकर्मा मंदिर में ये परम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उनके पहल से उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने बचाने की जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है एक सांस्कृतिक आज़ादी की, इसमें भी ये भव्य विश्वकर्मा मंदिर के परिसर का सौंदर्यीकरण भी हुआ है। तो इसमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि दोबारा खुद महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं और आज हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।